So we will continue there, okay? Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest, okay? Taro जो था वो जल्दी उड़ गया था और वो जैसे रोज फॉरेस्ट जंगल में जाता था वैसे ही जाने लगा. So true, okay? Next. तारो saw dirty long waterfall hidden behind a rock. क्या तारो ने पत्थरों के पीछे एक बहुत बड़ी वॉटरफॉल झरना देखा और वो बहुत गंदे पानी का था? नो. तो क्या आएगा? फॉल्स. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. जो ओल्ड मैन था वो शेक पाकर बहुत ही खुश हुआ. ओके. सो ट्रू. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हीज मैजिक वॉटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान. जो स्टोरी थी तारो की और जो उसको मैजिक वॉटरफॉल मिली थी, ये जो स्टोरी थी वो कहाँ के राजा के पास पहुंच गई थी? जापान के राजा के पास. सो ट्रू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वॉज तारो? वॉय वॉज ही सेड? तारो कौन था और वो क्यों दुखी था? सो हियर अवर आंसर इज तारो वॉज अ वुड कटर. तारो क्या था? एक लकड़हारा था. ही वॉज सेड, वो बहुत दुखी था. Because he worked very hard and earned very little money. क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करता था लेकिन फिर भी कम पैसे कमाता था, इसीलिए वो दुखी था. What did Taro's father wish for? जो तारो के फादर थे उनकी क्या विश थी? तो हियर अवर आंसर इज टू ड्रिंक अ कप ऑफ सेक वॉज तारोज फादर विश. जो तारो के फादर की क्या विश थी? कि वो एक सेक पिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. मीन्स वो जो धारा थी उसकी साइड क्यों बह रहा था? ओके. सो आंसर इज तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. जो तारो था वो भाग रहा था जहां से उसको पानी की धारा दिखाई दे रही थी उसकी साइड. बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था. एंड ही हैड नेवर सीन अ स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और उसने कभी भी जंगल के इस भाग में पानी की धारा नहीं देखी थी, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में भाग रहा था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड तारो फुलफिल द विश ऑफ हिज ओल्ड फादर. तारो ने किस तरह उसके पिताजी की जो विश थी, जो मांग थी, उसे किस तरह पूरी की? सो हियर आवर आंसर इज तारो फाउंड अ मैजिक वॉटरफॉल. तारो को एक मैजिक वॉटरफॉल मिली. व्हेन ही वॉज चॉपिंग, जब वो कटाई कर रहा था लकड़ी की. एक्चुअली द वॉटर ऑफ वॉटरफॉल वॉज द सेक. और जो वॉटर था मीन्स पानी था वो बहुत ही अच्छा था. ओके. अमृत के समान था. तारो फिल्ड हिज पिचर एंड हरीड होम. तारो ने क्या किया? उसकी मटकी भर ली और जल्दी से घर पर गया. ही गेव इट टू हिज फादर एंड फुलफिल देयर विश. उन्होंने उसका पानी उसके फादर को दिया और उनकी विश इस तरह पूरी की. ओके. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक. मीन्स तारो के पिताजी ने किस तरह उनकी खुशी जाहिर की? ओके. शेक पीने के बाद. सो हियर अवर आंसर इज तारोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस. तारो के फादर ने अपनी खुशी जाहिर की बाई स्टॉपिंग शिवरिंग कपकपना छोड़ के एंड डांसिंग इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर. और वो क्या करने लग गया? फ्लोर पे डांस करने लगा. ओके. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द विलेजर्स कम टू नो अबाउट द मैजिक वाटर. जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उन्हें कैसे पता चला जादुई पानी के बारे में? ओके. सो हियर अवर आंसर इज व्हेन तारोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस बाय डांसिंग अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. जो तारो के जो पिताजी थे वो उनकी खुशी जाहिर कर रहे थे नाच कर, तभी उनके जो नेबर थे मीन्स उनके पड़ोसी थे, उन्होंने उनको रोका. तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड अ कप ऑफ सेक टू हिम. और तारो के फादर ने उन्हें बहुत ही अच्छे से एक कप सेक दिया. ही ऑल्सो टोल्ड द स्टोरी ऑफ वॉटरफॉल टू द नेबर. और उन्होंने उनके पड़ोसी को पूरी जो स्टोरी थी, पूरी जो कहानी थी वॉटरफॉल झरने की, वो सब बता दी. द नेबर स्प्रेड द स्टोरी थ्रू होल विलेज. और जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने वो पूरी कहानी को पूरे विलेज में फैला दी थी. नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल विलेजर्स केम टू नो अबाउट द मैजिक वॉटर टू द तारोज हाउस. और अगले ही सुबह गांव के सारे लोग तारो के घर के पास आए थे मैजिक वॉटर के बारे में जानने के लिए. ओके. इस तरह पूरे गांव में मैजिक वॉटर के बारे में बात फैल गई थी. ओके. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द वॉटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर वॉटर. ओके. जो तारो था उसको ही क्यों सेक मिला और बाकी सबको सिर्फ वॉटर मिला? सो हियर अवर आंसर इज द वॉटरफॉल गेव सेक टू तारो. जो वॉटरफॉल था उसी ने केवल तारो को ही सेक दिया एंड वॉटर टू अदर. और दूसरों को सिर्फ पानी दिया. बिकॉज तारो वॉज अ थॉटफुल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, सोचने वाला था. सट एंड द विलेजर्स वर सेल्फिश. लेकिन जो गांव वाले थे वो कैसे थे?
सेल्फिश थे, मतलबी थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो, जो गांव के लोग थे वो तारो को क्यों डुबोना चाहते थे, ओके, क्यों उसे नीचे दिखाना चाहते थे। सो हियर आवर आंसर इज द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉन तारो बिकॉज दे थॉट दैट तारो हैड चीटेड देम, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि तारो ने उनसे चीटिंग की है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द एम्पायरर रिवॉर्ड तारो, जो राजा था उसने क्यों इनाम दिया तारो को। सो हियर आवर आंसर इज द एम्पायरर रिवॉर्ड तारो बिकॉज ही वॉज सो गुड, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, एंड काइंड मींस दयालु था, एंड ही वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और वो चाहता था कि सभी बच्चों को वो प्रोत्साहित करे, मीन्स एनकरेज करे, ताकि सभी बच्चे सम्मान करें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज तारो रिवॉर्ड बाय द एम्पायरर ऑफ जापान, मीन्स कैसे जो राजा था जापान का उन्होंने कैसे तारो को इनाम दिया। सो हियर आवर आंसर इज द एम्पायरर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टू तारो व्हेन ही लिस्टेड द स्टोरी ऑफ तारो एंड ही इज मैजिक वॉटरफॉल, जब जापान के राजा ने तारो की स्टोरी सुनी और उसके जादुई झरने के बारे में सुना तो जापान के राजा ने उसे इनाम दिया तारो को, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर डेट राइमिंग राइम, ओके, हमको राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से इस बॉक्स में जो दिए हुई है स्पेलिंग दी हुई है उनको जमाना है, ओके, अरेंज करना है। सो एग्जांपल इज यंग लर्न, मनी सनी, चॉप स्टॉप, लास्ट फास्ट, वैक्स एक्स, कूड वुड, वे डे, साउंड राउंड, सैड बैड, ओके। हियर आवर लेसन 6 इज फिनिश्ड।